हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने किचन में। तो आज हमारी कोई रेसिपी नहीं होने वाली है, तो आज के हमारा एक प्यारा सा ब्लॉग है, छठ पूजा का ब्लॉग, जिसे मैंने तैयार किया है। अभी से देखिए और होप आपको ये अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। हमारे यहाँ ये छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रसाद के लिए ये गेहूँ धो के सुखाते हैं, उसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं। अब ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है, तो ये नहाए खाए हैं। जिस दिन ये छठ पूजा का पहला दिन होता है, इस दिन चावल और 5 तरह की सब्जियाँ, दाल, पापड़, चटनी, ये सब लेते हैं, दही। तो ये पहला दिन का हो गया हमारा। और ये डे सेकेंड है, दूसरा दिन लोअर है। हाय एवरीवन, तो आज हमारे यहाँ छठ पूजा का दूसरा दिन है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आज प्रसाद बनता है, जो कि मिट्टी का चूल्हे पर बनता है। ये चूल्हा लोहा का है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये प्रसाद चूल्हे पर ही बनाया जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे मैं चूल्हे पर ही छठ का प्रसाद, खीर और जो रोटी का प्रसाद बनाया जाता है उसे तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए आप मिट्टी के चूल्हे या लोहे के चूल्हे, कोई भी चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ चूल्हे पर मैं प्रसाद को बना रही हूँ। तो इस प्रसाद में आम की लकड़ी का ही यूज होता है। तो ये देखिए, ये हमारा छठ का है, थोड़े बहुत खूबसूरत से पौधे, और यहाँ पे हमारे छठ पूजा के प्रसाद के लिए रखा हुआ आम की लकड़ी और जलावन है, जिसे मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। तो यहाँ पे अब प्रसाद लगभग बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरी मम्मी है और हमारे और भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, खीर का प्रसाद बन चुका है, अब रोटी बना रहे हैं। इसे मिट्टी की कढ़ाई में ही बनाया जाता है, लोहे की में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे मिट्टी की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रसाद बन के तैयार हो चुका है। तो अब जब प्रसाद बन जाता है तो हम खरना करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ होता है। अब दे तीसरा है, इस दिन संध्या में अर्घ पड़ता है। तो अभी संध्या हुई नहीं है, तो इसके पहले जो ठेकुआ का प्रसाद है, छठ का जो महाप्रसाद है, ठेकुआ बिना वज नहीं दिया जाता है, उसे बना के हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसे भी चूल्हे पर ही बनाया जाता है। तो इस तरह से हम बना रहे हैं ठेकुआ को, ये देखिए। तो अब हम आपको अपना दिखाते हैं छठ घाट, जिसे कि बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारा डेकोरेट किया है। तो ये सब लड़ियाँ बनाकर बच्चों ने तैयार किया है, जिसे कि हम छठ घाट पे लगाएंगे। हम लोग घड़ी पे अर्घ देते हैं। तो ये देखिए, इसे तैयार किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, कुछ फूल और पत्ते का यूज़ करके। तो ये पानी भर चुका है जहाँ पे मैं अर्घ दूंगी, जिसे इसमें कुछ फूल की पंखुड़ियाँ तो डाला गया है, जिससे कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा छठ घाट बन के तैयार है। इसमें 2 टाइम अर्घ पड़ा है। तो यहाँ पर हमारा छठ घाट डेकोरेट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। ये हमने गाड़ी पर तैयार किया, हम लोग गाड़ी पे रख देते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए, फाइनली हमारा छठ घाट बन के तैयार है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। तो यहाँ गंगा नदी है और तालाब भी बहुत सारे हैं, पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसे मैं घर में ही अर्घ देती हूँ। अभी संध्या का टाइम है, तो संध्या में अर्घ, तीसरा दिन संध्या में अर्घ और चौथा दिन सुबह में अर्घ पड़ता है। इसके साथ ही छठ पूजा का समापन होता है, तो यहाँ पे डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं हम लोग संध्या के समय में। ये देखिए, इसी में स्नान करके फिर हम अर्घ देंगे भगवान सूर्य को, छठी मैया को। यहाँ पे मैं इसमें स्नान कर ली हूँ, तो उसके बाद अब अर्घ पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है।
इसी तरह से यहाँ पे रख दिया जाता है। इसमें सारे फल होते हैं, जितने सीजनली फल है सभी इसमें लिए जाते हैं, और इस तरह से अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ। और इसी तरह से सुबह में भी सेम प्रोसेस होता है, शाम में पश्चिम की तरफ अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य भगवान को, और सुबह में उगते हुए सूर्य भगवान सूर्योदय के समय। उसके बाद थोड़ा सा हुमाद वगैरह हम लोग करते हैं, हुमाद हवन करते हैं, इस तरह से हवन हम लोग करते हैं, हुमाद को ये लाते हैं। इस तरह से दोनों टाइम अर्घ देने के बाद छठ पूजा समाप्त होता है। तो ये अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, हमारे यहाँ पास ही में सूर्य भगवान बैठते हैं, जिनकी प्रतिमा बैठाई जाती है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा वहाँ का भी नज़ारा, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है। देखिए कितनी बढ़िया सजावट की गई है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदरता देखते हुए बनती है चारों तरफ से, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन है यहाँ पे। तो ये तीसरा दिन का ही है जब अर्घ हम लोग दे दिए हैं, तब मैं यहाँ पे जा रही हूँ सूर्य भगवान के दर्शन के लिए, और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सूर्य भगवान की प्रतिमा को यहाँ पे बैठाया गया है। यहाँ पास ही में एक और सूर्य भगवान बैठते हैं, तो उन्हें भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलते हैं अब दूसरे सूर्य भगवान के पास दर्शन के लिए, ये भी काफ़ी पास में है, बस बहुत ही कुछ कदम की दूरी पर है, तो वो भी हमारे दिखाऊंगी मैं। ये कितना प्यारा सा मूर्ति सब बनाया हुआ है, कितनी बढ़िया से सजावट की गई है, बिल्कुल देखने से मन ही नहीं भरता है। देखिए चारों तरफ बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन है, और ये यहाँ पे आपको ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि सजावट कितनी बढ़िया यहाँ पे की गई है पंडाल की, और ये प्यारा सा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे आप खड़े होकर पिक क्लिक कर सकते हैं। और चलते हैं दूसरे सूर्य भगवान की ओर, ये देखिए सूर्य भगवान के आसपास का नज़ारा है, कितना अच्छा सा डेकोरेशन है, बहुत ही प्यारा, गीतों की आवाज़ है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह से थोड़ी सी दूरी पर ही हम दूसरे सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे, बस चंद कदम की दूरी पर ही वो हमें मिल जाएगा। तब तक आप इस तरह से सजावट देखिए, कितना बढ़िया से सजावट किया गया है। ये बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो ये बिहार में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये 4 दिनों का होता है पर्व, ये 4 दिन, चौथे दिन इसका समापन होता है। यहाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ अब हम दूसरे सूर्य भगवान की प्रतिमा के पास आए, देखिए यहाँ भी सूर्य भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको खाने के लिए आइसक्रीम वगैरह भी बहुत ईजिली मिलेगा, तो अब इसका भी आनंद उठा सकते हैं। देखिए इधर भी आप देखेंगे सजावट बहुत ही प्यारी है, देखिए लड़ियाँ लगाई गई हैं। ये देखिए पास ही में एक और सूर्य भगवान थे, तो उन्हें भी हमने सोचा कि चलिए कैप्चर करते हैं हमारे कैमरे में। तो ये देखिए मैंने 2 सूर्य भगवान को आपका दर्शन कराया, ये तीसरे वाले हैं। सभी 10 मिनट के अंतर, 5 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंतराल पर हैं। तो आज हमने तीसरा दिन सारे सूर्य भगवान जो आसपास में बैठते हैं सभी का दर्शन किया। तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे, तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो ये तीसरा दिन का था, तो ये चौथा दिन फिर सूर्य, तीसरा दिन तो हम लोग तो घूम लिए, उसका चौथा दिन सुबह के टाइम में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये फल वगैरह है। तो चौथा दिन अर्घ देने के साथ ही हमारा ये छठ पूजा का ब्लॉग खत्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से सूप में सारे प्रसाद को रखा जाता है, फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ तो ये पूजा बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज चौथा दिन है, और आज की अर्घ के साथ ही सूर्य उपासना का महापर्व छठ समापन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चौथे दिन का अर्घ भी शुरू हो चुका है,
चौथे दिन पर तो मैं दे रही हूँ भगवान भास्कर को। उसके बाद हम लोग हवन करेंगे। हवन करने के बाद आपका ये प्यारा सा ब्लॉग जिसे आप देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस।